आप देख रहे हैं नाइन क्लब की विंडोज, हम सब मौजूद है शील महापे परिसर में। यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं ये सब एक फिरा आई चालक मालक डंपर संगठन के ये सारे मेंबर्स भी और उसके अध्यक्ष अशोक भाई भी हमारे साथ में मौजूद है। ये जो क्वारी आप पीछे देख रहे हैं जहाँ से ये रेती निकालने का काम होता है, तो इसको लेकर कुछ विवाद हुआ। ये सारे जो सप्लायर है पहले इन्हें यहाँ से माल दिया जाता था, लेकिन अचानक ही इस कंपनी की तरफ से इनसे मांग की जा रही है कि पहले वो 5 लाख का डिपॉजिट जमा कराएं, उसके बाद में उन्हें यहाँ से अब सप्लाई करने के लिए माल मिलेगा, तो कैश माल। हाँ, और जबकि ये पहले भी यहाँ पर कैश देकर ही माल लिया करते थे, अब जब ये इस कंपनी के मालिक से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो वो उनके मिलने को तैयार नहीं है। और उनके जो यहाँ पर मैनेजर है, क्या नाम है इनका समीर भाई? सुनील अडवाणी उनका नाम है। वो जब उनसे मुलाकात ये करते हैं तो कहते हैं कि अभी ओनर नहीं है, उनसे आपको बात करना पड़ेगी। जबकि इन्होंने यहाँ की कुछ जानकारी निकाली है, इन्हें पता चला है कि यहाँ से जो रेती निकलती है या जो भी यहाँ से मटेरियल निकलता है खड़ी का वो सिर्फ जो रोडवेज का काम होता है उसी के लिए सप्लाई कर सकते हैं, फिर भी ये बाहर सप्लाई करते हैं। तो इनका कहना है कि जब किसी को नहीं आप दे रहे, हमें नहीं दे रहे, तो फिर ये दूसरी गाड़ियां जो यहाँ पर आ रही है उनको दिया जा रहा है, तो ये क्यों आप दे रहे? तो आइए हम अशोक भाई से इस बारे में पूरी जानकारी। क्या मामला है अशोक भाई? मामला ये है कि इतने सालों से हम लोग को माल मिल रहा था इधर, और 4-5 महीने से ऐसा हुआ कि अचानक ये लोग हमसे 5 लाख रुपए मांगने लगे। तो पहले 5 लाख रुपए इधर रखो, फिर माल लेके जाओ, जैसे 5 लाख रुपए खत्म होता है तब दूसरा 5 लाख रुपए डालो, ऐसा माल भरते जाओ। बल्कि हमारे संगठन के कुछ ऐसे भी है कि उनके पूरे गाड़ी की प्राइस 5 लाख रुपए है, मगर हम लोग 5 लाख छोड़ो 50,000 भी नहीं डिपॉजिट दे सकते। हम लोग माल भर सकते हैं, रोकड़ा भर सकते हैं, माल भर के पैसा ले लो, गाड़ी छोड़ दो। इतने सालों से आप यहाँ से? ये बहुत सालों से, बीच में बंद भी था एक और, मगर बहुत साल से हम लोग इधर माल भर रहे। 5 लाख की डिमांड है, ये किसने किया? ये इनका जो सुपरवाइजर है सुनील करके, ये बोल रहा है, मगर हमको इनका मेन सेट है उनसे नहीं मिलवा रहा है। अच्छा, मतलब वादे जो वादे कर रहे हैं। हाँ, हमारी समस्या नहीं समझ कर रहे, खाली इनकी मोनोपोली है, उनके हिसाब से चलो हम लोग, मगर इनको मेरे अंदर से तो इधर इनको परमिशन नहीं बाहर माल बेचने का। इनका जो डांबर प्लांट है, वो डांबर प्लांट को जितना माल लगेगा उतना ही ये माल इधर निकाल सकते, मगर ये एक्स्ट्रा माल निकाल के बाहर को भी बेचते। मगर हमारा कहने का मतलब ये है कि जब तुम बाहर माल बेच रहे तो हमको भी दिया करो। बाहर को बेचने का मतलब कि मतलब इलीगल तरीके से? हाँ, इलीगल तरीके से, इलीगल तरीके से बाहर माल सप्लाई कर। हाँ, तो अभी आपके हिसाब से रोज कितनी गाड़ियां ये लोग सेल कर रहे? अभी देखो ज्यादातर से हम लोग इधर आते नहीं है क्योंकि माल नहीं देते हैं, मगर मिनिमम ये 10-15 गाड़ी तो बाहर बेचते हैं जी। हाँ, मगर हमारे पास फिलहाल अभी इधर बाहर की गाड़ी का इनके इनकी कंपनी की गाड़ी नहीं है, उनका फोटो भी है, फिलहाल हम लोग उसको वायरल नहीं करेंगे। अगर हमको समझ में आए लेते तो हम लोग वायरल नहीं करेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो वो गाड़ी किसका है हमको नहीं मालूम, हमारे पास फोटो है उसका, इनके कंपनी के अलावा वो गाड़ी है। तो आपने इसकी जानकारी पूरी तरह से निकाली है कि इन्हें अलाउड नहीं है बाहर सेल करने? अभी देखो मैंने ऐसा सुना है इनको अलाउड नहीं है बाहर बेचने का, मगर हम इसकी तहकीकात करेंगे, हम कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे, इनका फॉरेस्ट ऑफिस माफे गांव में है, उधर अभी हम लोग जा रहे जी। तो अभी 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 आप लोग मुलाकात करने उनसे आए थे, उनके सुपरवाइजर से, तो उन्होंने क्या कहा? अभी देखो ये तो हमारी तीसरी बार हो गई इधर मिलने की उनसे, मगर वो हमको आश्वासन देते हैं, मगर लास्ट स्टेप पे वही बोलता है जो भी कुछ भी रहेगा वो तुमको 5 लाख रुपए इधर रखना पड़ेगा, तो हम लोग उतने कैपेबल नहीं है कि 5 लाख रखे। यहाँ पर सप्लायर सबको 5-5 लाख रुपए? हाँ, हर गाड़ी को 5 लाख रुपए बोल रहे लोग। अच्छा, तो वो सारी गाड़ियों को उसके बाद में माल देंगे? हाँ, 5 लाख रुपए रखो तब माल मिलेगा। 5 लाख रखेंगे, गाड़ी की प्राइस 3.5 लाख रुपए कुछ लोगों के, पुराना गाड़ी हम लोग लोकल इधर के इधर चलाते हैं। आप स्थानीय है? सब सब स्थानीय है इधर। डिपॉजिट रखो और दिन में 4 ही गाड़ी दे सकते हैं हम लोग, ऐसे वो लोग बोले। अलग सब जन ने अलग अलग पार्ट्स दिया तो सबको दे? सबको नहीं, सबको सबको मतलब फिर भी दिन में सिर्फ 4 गाड़ियां, फिर भी ये दिन में 4 ही गाड़ी देंगे, ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बल्कि इनके पास बहुत स्टॉक है, आप देख सकते हैं, वो देखो उधर देखो कितना स्टॉक है, पीछे देखो आप स्टॉक कितना है माल का, बहुत स्टॉक है, मगर ये आड़ीबाजी कर रहे हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आप लोगों को मतलब दूर करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं और बाहर के लोगों को माल देना चाहते हैं। और इसके पहले भी 5-6 महीने पहले ये लोग अचानक रेट बढ़ा दिया, जिधर डबर का प्राइस था 200 रुपए टन, ये लोग डायरेक्ट 400 रुपए टन किए, कौन से बेस पे गया? आपने वो भी माना? हम लोग वो भी माना, फिर भी माल नहीं दे रहे हम लोग। आपकी क्या मांग है आपके एसोसिएशन की तरफ से, आप क्या मांगे वो बता दीजिए।
हमारी ये मांग है कि हमको माल आप दे दो और जो आपका जो माल का पैसा रहेगा वो नगद तुरंत ले लो, तब आपके गेट के बाहर वो गाड़ी निकालो, यही हमारी अपेक्षा है। और अभी अगर ये मांग पर नहीं सुनवाई होती है, हाँ। जैसे आप कह रहे 2 से 3 बार आप आए यहाँ पे ओनर नहीं मिला, हाँ। तो उसके बाद आपका कदम क्या रहेगा? तो अभी हम लोग फॉरेस्ट ऑफिस में जा रहे हैं, उनका कहने का क्या मतलब देखते, फिर कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे थाना में, उनका कहने का, नहीं तो हम लोग नीचे आंदोलन करेंगे, किसका गाड़ी आने जाने नहीं देंगे। अभी भी बाहर की गाड़ी आए? हाँ आया है, इसलिए हमारे पास सबूत नहीं गाड़ी का, मगर हम लोग वो वायरल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग डंपर वाले हैं, वो भी डंपर वाला है, किसको दुख नहीं पहुंचाना चाहते हम लोग। आप समझ रहे, दोनों ने भी समझ लिया। अपन सर्वे मिलून सुनो सर, हम सब गाड़ी वाले मिलके 5 लाख जमा करते हैं आपके पास, हम सब का गाड़ी तुम्हारे नाम पे हम 5 लाख रुपए जमा करते हैं, सब गाड़ी तुम्हारी ही रहेगी। किसके नाम की गाड़ी? हाँ तेरे गाड़ी, तुम्हारे नाम पे हम सब, मेरे 100 गाड़ी है, 5 लाख बरो, और सबको माल मिलना चाहिए, 5 लाख खत्म सबको, मतलब आपने नहीं समझा मैं क्या बोला,5 लाख तब तक तुम्हारा तो 5 लाख देने का है, दिन में 10 गाड़ी दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, मैं वही बता रहा हूँ आपको कंडीशन, तो उससे अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, उनका समझे नहीं, उनका कहने का जो मतलब है, अभी इनके पास में 4 गाड़ी तक की परमिशन है, कि दिन में 4 गाड़ी आपको परमिशन की बात ही नहीं, मतलब परमिशन नहीं, कंडीशन इनके पास, हम लोग के पास उतना माल नहीं, इनके पास अभी माल नहीं, इनका कहने का मतलब दीपावली के बाद ये काम चालू करें। क्यों भाग गई बताओ, क्यों भाग गई? हम फोटो निकाला है ना, उठा लो सर, 5 लाख इनको देने का, ठीक है, 4 गाड़ी का अपना 10,000 से कितना रहता है, 40,000, ठीक है, 4,60,000 इनके पास जमा रखने का, फिर दूसरे ये देखो, इसको जानते ना, पैसा भी, हाँ इसको जानते ना, कितना पुराना आदमी है, भर दे उसका गाड़ी, सबको जानते हैं हम लोग, थोड़ी मतलब इनका 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 इज्जत क्या है, इसका इसका इज्जत क्या है, चलो ना सर की बाइट ले लेते हैं सर, क्या कंडीशन है आगे क्या इनका इज्जत है, सेट कभी आएंगे, चलो एक दिन आ सकते हैं नेक्स्ट वीक, सेट का नंबर आ गया, हमें सेट का नंबर नहीं, ये थर्ड टाइम आए हैं हम लोग, बात किससे, थर्ड टाइम आए हैं, ऐसे बोलते हैं वो बाहर आया, हमारा नंबर आप ले लो सर, मिलते हैं चार बार आएंगे तो आप हमें यहाँ से कॉल करो, अपने अभी काम में रहेंगे, काम तो हमको भी काम में नंबर नहीं देते हैं, बताइए नंबर, 9820618182, नजर इंडिया न्यूज समीर, 9820618182 अजवानी का, क्या नाम है कंपनी का नाम है, अजवानी ना, समीर कहाँ से, समीर नजर इंडिया, समीर नगर इंडिया, नजर नजर नजर, सर का नाम क्या है, क्या नाम है आपके सेठ का, हाय सुनील अडवाणी, हाँ सर, हाँ जी, आपके ओनर का नाम नवीन, नवीन नवीन, पूरा नाम को बोले सुंदर, नवीन दासवानी, नवीन दासवानी, सुनील क्या नाम बोले आपने सर, समीर नजर इंडिया न्यूज, नजर इंडिया, लेके आ रहे हैं जितना पैसा मांग रहा है उतनी तुम्हारी कैपेसिटी है क्या, किस बेस पे पैसा मांग रहे हो, 5-5 लाख रुपये देंगे दिन में एक ही गए, नजर नजर इंडिया, कार्ड है आपका, कार्ड नहीं लाया हूँ, कार्ड रिपोर्टर घूम रहा है,
चलो भाई फिर आप अपना क्या है वो बोल दो, क्योंकि भाई इनसे तो बात हो गई, ये बात करना नहीं चाह रहे। सर से बात करेंगे अपने, अपने ओनर से बात करेंगे, उसके बाद कितना टाइम देंगे आप? एक हफ्ता बोले, एक हफ्ते पिछले टाइम तो दिए थे, कब से 6 महीने तो वही चल रहा सर। बाहर का गाड़ी मत, एक हफ्ता हमको रुका रहे ना, दो महीने से वो भर रहे ना, तो एक हफ्ता महीने बोले कंटिन्यू वर्षे चला, एक हफ्ता उनको भी रुका, एक हफ्ता उसको भी रुकाना पड़े। हम लोग आंदोलन करके हट गई। नहीं नहीं कायदा सबको मांगते हैं, उनको भी देना मांगते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको नहीं भरे फिर किसी बाहर वाले को मांगे। नंबर निकल रखा है ना गाड़ी का, 9 8 00। चलो चलो आप लोग बोल दो भाई, आप बाहर बोलते हैं। 5 लाख रुपया मांग रहे हैं, किस बेस पे मांग रहे हैं? हम लोग 5 लाख देने के तैयार है, भरोसा है, इतने सालों का तोड़ रहे, समझ में नहीं आ रहा। मांगता है ना, चार गाड़ी दिन में एक को चार गाड़ी, एक का 5 लाख, अभी ये लोग सभी 5 5 लाख रुपया दे दिए। कितने सप्लायर लोग हैं? ये कहना है कि किसी एक आदमी ओनर बनता है, 5 लाख रुपया आपको जमा कर देता है 10 गाड़ियों का, वो 10 के 10 गाड़ी दिन भर में चार गाड़ी भरेंगी या सिर्फ एक गाड़ी चार बार भरेगी? अभी अकाउंट बढ़ेगा तो फिर गाड़ी कम होगी, अकाउंट बढ़ेगा तो गाड़ी कम होगी। देखो कैसा है, मेरे पास जो स्टॉक है पहले मेरे को मेरे लिए रखना है, उसके बाद में जो बच सकता है। मतलब इनका काम यही है कि खाली पैसा जमा करो गरीब जनता से है और उनको और नीचे दबाओ, ऐसा ही है। हमारा कहने का मतलब यही है, अभी तुम एक गाड़ी दे दो, हमारे 100 गाड़ी में से जो पहला नंबर आएगा उसको भर दे दो, 99 रिटर्न कर दो। माल अभी खत्म हुआ, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल और गाड़ी भरने के बाद पहले पैसा दे दो, तब गाड़ी इधर से निकल, पैसे भी दे दो। ऐसा नहीं कर सकते, आप समझो मेरी बात, पहले कितना काम करना, इनको 4 गाड़ी देने का है बस, हमारे संगठन का जो आएगा गाड़ी उसमें से जो पहला नंबर आएगा उनका 4 का भर के पैसा ले लो, खत्म करो बस। हम लोग किधर बोल रहे, अभी 4 अभी 100 जन का बाकी रहेगा, 4 गाड़ी भरो ऐसा, तुम्हारा माल तुम्हारे रखो, ऐसा नहीं हम लोग बोल रहे कि तुम्हारा काम का खोटी करो और हमको माल दे दो, नहीं पहले तुम्हारा काम करो, बचेगा माल वो हमको दे। नंबर आया हमारा तो नंबर हमारा नहीं आया तो इसमें से एक भी नंबर नहीं तोड़े, एक का कंप्लेंट नहीं आएगा नंबर दो नहीं, हम लोग बैठे करेंगे 4 दिन तो आज तुम भर, दूसरा दिन ये 4 भर, ऐसा करेगा हम लोग। इनका खाली काम है कि ये खाली पैसा जमा करो बस, किसी एक का अकाउंट दे रहे ना सर, एडवांस नहीं तो लगेगा। 4 गाड़ी का मतलब 20 लाख रुपया, 4 गाड़ी का मतलब 4 नहीं 5 ही बोल रहे हो, सिर्फ 5 भर रहे हो। अच्छा मतलब जितने हैं सबसे 5 लाख चाहिए उन्हें, हाँ वही। अच्छा एक काम, आप ऐसा बोल रहे हो कि एक जन का आप ही एक अकाउंट बनाएंगे और गाड़ी सबका भेजेंगे, वैसा दिन का 4 गाड़ी। मगर मेरे को मैं क्या बोलता हूँ, 3 महीने से हमारे 3 राउंड हो गए, 4 गाड़ी जो बोल रहे ना, ये बोले कि अकाउंट मैं बनाऊंगा, ठीक है अकाउंट मैं बनाऊंगा, 5 लाख रुपया मैं डिपोज कर, चलेगा ठीक है, उसके बाद 4 गाड़ी चाहे मेरी एक आए चाहे इनकी एक आए, बस अकाउंट मेरा रहेगा। सर देखो ये संगठन का मैं अध्यक्ष है, जो अभी जो चर्चा चल रही है ना एक के अकाउंट पे 5 लाख डाल के, मैं उस पर अभी तक शोर नहीं है, हाँ मैं चर्चा करूंगा फिर बोलूंगा, ये चर्चा है की जगह पे कंफर्म नहीं हुआ, फाइनल नहीं, आपकी बात मैंने इधर रखा ना, आपने बात रखी मैंने हाँ बोल, उसके लिए हाँ बोलेंगे ना, पैसा आ रहा है ना हमारे, आज बोलेंगे ये चार जाएंगे वो चार जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा, वो नहीं हो सकता, वो बात हमको ज्यादा गुस्सा ये है कि हम लोग को ये गुमराह कर रहे हैं, हम लोग को दूर कर रहे हैं, ये हम लोग स्थानीय गांव वाले इधर के दिल से निकल रहे हैं, का भरोसा तोड़ रहे हैं, हाँ बहुत धंधा किया ये लोगों से हम लोग, मगर ये आज पैसे की वजह से हम लोग को दूर कर रहे हैं, इनको पैसा मांगता है आदमी लोग नहीं मांगते, ऐसा कुछ नहीं है। और ये 3 बार आया ना हम लोग, 3 बार यही बोलते है कि सेट बाहर है, अच्छा आपको 3 बार मिले सेट, सेट बाहर है कि एक बार भी नहीं मिले, पहले टाइम मिले थे उसके बाद में 3 बार नहीं मिले। और बताओ इतना संगठन आता है बरबर मिलने के लिए, कभी सोचा है कि इस सेट ने, चलो एक बार संगठन को मिलते, स्थानिक लोग हैं
हमको भी उधर धंधा करने का, उनको भी अपने को साथ देने का है। अगर वो क्लियर था 9822 तो क्यों भाग गया हूँ अगर इनको बेचने का परमिशन है तो। चलो काम करना, फिर हम लोग अभी कलेक्ट करके बच जाते हैं, इधर से कलेक्ट करके बच जाते हैं। सबसे बात हो गई है, सब लोग बोलते हो वैसा हम लोग डिपॉजिट पैसा नहीं रखने वाले हैं, जो भी गाड़ी आएगा नगद पैसा ले लो, नगद गाड़ी माल दे दो हमको, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। इनका नंबर मिला ना, आप तो बात कर सकते हो ना, आप बात कर लीजिए। अभी एक कॉल कर लीजिए, मैं कहा आपको कुछ ना बोला सर कोई बात के लिए। अरे सर अभी आप बोला, एक कॉल कर लीजिए कि ये लोग आए हैं सर, क्या कर रहे हैं अभी बात। हाँ बात कर सकते हैं ना, अभी देखो कैसा है ना, सर को एक काम नहीं रहता है और आपको भी नहीं रहता है, मैं समझता हूँ ठीक है, मगर उनका जो शेड्यूल है अभी जैसे वो आएंगे, आते हैं सिर्फ एक दिन के लिए। अच्छा, वो अभी मैं उनसे बात करके मैं सब प्रोग्राम रखूंगा। तीन महीने में एक बार अपने लिए टाइम नहीं निकाला है, तो अभी कर लीजिए सर, इन लोगों को संतुष्टि होगी ना कि एटलीस्ट आपको अपडेट कर रहे हैं। फोन पे क्या बात करूं मैं उनको, क्या ये कि ये लोग आए हुए सर यहां पे, फोन पे सब होता है हजरत, आज चालू है अभी मनमानी चालू ऐसा तो नहीं है, सेट इन्वॉल्व में आप कर रहे हो। हाँ ये कर रहे हैं, अभी अभी कॉरी पे कोई हादसा हो गया, ऊपर से किधर पत्थर गिर गया इनके आदमी पे, तो कि सर बिजी है, सर बाहर गए, फोन नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, एक बार क्लियर हो जाएगा ना सेट, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप करा रहे हैं, ये हमारे संगठन का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब आप कर रहे हैं, आपका ही प्लान है ये संगठन का। अच्छा मेरा ये ऑनलाइन पेमेंट बोल रहे हैं, ये ऑनलाइन पेमेंट बोल रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट भी करने के लिए रेडी है। डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, ऑनलाइन करते ना, कैश मत, ऑनलाइन बोल रहे ना कि भाई ओनर के सामने बात हो जाए, हम लोग को ना इन लोगों को डिस्कस करने वैसा करना रहता था मेरे को, तो मैं ओनर से क्यों मिलाऊं इनको, नहीं ना मेन चीज मैं तो ओनर से मिलने नहीं बोल रहा हूं, मैं थोड़ी डिसीजन ले सकता हूं, मैडम जी को मालूम है ओनर आएगा नहीं और हम मिलाएंगे देंगे नहीं, बस वो ऐसा बोल रहा है, बोल रहा है ओनर कभी आएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओनर जैसे आएंगे मैं आपको बुलाएगा वो टाइम पे, वो कभी भी आएंगे, तीन महीने से आए नहीं सर, एक बार टाइम ले लो, जल्दी से जल्दी ले लो, जो भी है फाइनल हो जाए। अभी मैडम आप ही इनसे जाएंगे लो, हम तो थक गए, आप ही ले लो, अगर तुमको हमसे तकलीफ है तो बाकी का आने जाने वाला सब गाड़ी बंद करो, बस हमारा खुशी है ना, तुम्हारा तुम प्लान जीतता है उतना ही चलो। अच्छा भाई कहने का मतलब वही है, बोल दिया टाइम, टाइम दे दिए ना उनको सर, उसमें क्या हुआ मालूम है क्या, अभी जो तीन चार गाड़ी है ना टाइम दे दिए ना, इनके वजह से हमारा धंधा पूरा मार खा गया, मार खा रहा है, क्योंकि ये लोग मैडम अभी अपने 6 घंटे में 4 फेरा मार रहे हैं और हमारा 2 दिन में 1 दिन में 1 फेरा। अभी ठीक है इनसे बात हो गया, हम थोड़ा बाहर बैठ ले लो, इधर से अपन वापस पुलिस चौकी में जाते हैं, सबसे बेस्ट अधिक जानकारी देंगे इनके बारे में, पूरा दिन हम लोग आज उसके लिए निकले, इधर से डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस जाए, तुम्हें आरटीआई पण काढू सकता है। हां आरटीआई कितनी गाड़ी जा रही है, इन सब अपने गाड़ी वालों को एक ही हेडेक नहीं है, इन लोग का हेडेक है, वापस अपना ट्रैफिक का है, स्थानीय लोग है, स्थानीय लोग है और कैसा है ऊपर से पेमेंट लेने वाले लोग, पुराना चार महीने से घूमरा कर रहे हैं, इनके पास से नगद पे पे लेकर आएगा नहीं और मिलेगा भी नहीं, लग ही रहा है तुमको तो मालूम पड़ा, आलू का भरोसा ऐसा टूटेगा तो यार नहीं, वो चौकी में नहीं है, मैं मलता को लगी, सब लोग ने धंधा किया है, सबको मालूम है हम लोग कैसा धंधा करते हैं, ये धंधा की नया नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम तक कोई पैसा भी तो नहीं रखे, पैसा कोई रखे नहीं रखा, अभी 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 दिक्कत क्या हुई, चलो ना आप जो बोल रहे वही करो, दिक्कत क्या हुई कि आपकी जो है काम करते एम्प्लॉयर है क्या वो शटिंग में पैसा कुछ निकाल दे, यही दिक्कत है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट ले लो, लेकिन एडवांस की बात करेंगे तो कैसे देंगे गरीब जनता, अभी ये देंगे ये सप्लायर है, महीने में एक गाड़ी भी नहीं डाला तो 5 लाख कैसे देंगे आपको, मेरे को महीने में 2 गाड़ी लगता है, मैं 5 लाख लाके इनके पास दादा भाई कार में भी वो जो आप बोल रहे हैं वही करो आप, चलो क्या नहीं होगा ना, आगे कैसे होगा, अभी जैसे 1 महीने में 4 गाड़ी इनके 100 गाड़ी है तो 4 दिन के हिसाब से जहां बोल रहे हैं ना फॉरेस्ट ऑफिस चलने का वहां चलो, सबसे बेस्ट है जब तक आप लड़ेंगे नहीं, मैडम ये 3-4 गाड़ी कंटिन्यू चल रहा है मेरा, 2 महीना गाड़ी हिला नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ वही चलो ना सीधा, उनको 4-5 कर दे रखे आया क्या अल्ताफ, नहीं मैं ऑटो से चली जाऊंगी, मेरा दूसरा काम है।
अरे लोजा भाई कहाँ गए, लोजा भाई कहाँ गए।